Today's topic is spinal cord and its role in coordination and control. Spinal cord एक long, thin और tubular structure होता है जो कि nervous tissue से मिलकर बना होता है। ये medulla oblongata से start होता है और vertebral column के lumbar region तक extend out होता है। अगर हम देखें स्पाइनल कॉर्ड को की प्रोटेक्शन के बारे में देखें तो वर्टीब्रीज होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड वर्टीब्रीज के अंदर एक होल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है जो कि उसके सेंटर में होता है। इन वर्टीब्रीज के अंदर कुछ कार्टिलेज डिस्क भी मौजूद होती हैं जो स्पाइन को फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी ट्रिपल लेयर से प्रोटेक्टेड होती है जो कि ड्यूरा मैटर, एरिक्नॉइड मैटर और पिया मैटर है। इसके अलावा यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है पिया मैटर और एरिक्नॉइड मैटर के बीच में जो फर्दर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एमर्ज होती हैं बिटवीन वर्टीब्रीज। हर नर्व जो है वो एमर्ज होती है इन टू शॉर्ट ब्रांचेस जिनको हम रूट कहते हैं। एक रूट जो है वो फ्रंट साइड पे ऑफ स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है और दूसरी जो है वो बैक साइड पे। फ्रंट रूट को हम मोटर, एंटीरियर या वेंट्रल रूट कहते हैं जबकि जो बैक एंड पे होती है रूट उसे हम सेंसरी, डॉर्सल या पोस्टीरियर रूट कहते हैं। मोटर रूट का फंक्शन क्या है? ये इंफॉर्मेशन कैरी करती है फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, खास तौर पे हमारे स्केलेटल मसल्स। जबकि सेंसरी रूट इंफॉर्मेशन को कैरी करती है टू ब्रेन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर हम इसे क्रॉस सेक्शन को देखें तो एक ग्रे और वाइट मैटर आपको नजर आता है। अब इसके सेंटर में एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है ऑफ कॉर्ड का जो ग्रे मैटर का बना होता है। इसके टू विंग्स हैं, फ्रंट विंग्स और बैक विंग्स। फ्रंट विंग्स के अंदर मोटर नर्व सेल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स, जबकि बैक विंग्स के अंदर सेंसरी नर्व सेल्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। अगर हम इस वाइट मैटर को देखें जो कि सराउंड कर रहा है इस ग्रे मैटर को, तो इसके अंदर कॉलम्स होते हैं ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जिसकी वजह से हमें वाइट कलर का नज़र आता है। ये इंफॉर्मेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है टू ब्रेन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए इनको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्स एंड कॉलम्स। जबकि कुछ जो हैं वो मोटर इम्पल्सिस ब्रेन से मसल्स की तरफ लेके जा रही हैं उनको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के टू फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन तो ये कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन के साथ मिलके काम करता है और एक लिंक बनाता है बिटवीन ब्रेन एंड नर्व्स इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और दूसरा फंक्शन इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस।